हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरा वीडियो है 10 मिनट मेकअप ट्यूटोरियल है ये, फॉर ऑफिस एंड कॉलेज, कहीं पे भी आप कर सकते हो उसे। तो मैंने मॉइस्चराइज कर लिया था अपने फेस को, अब मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ। सनस्क्रीन लगाए बिना आप नहीं जाइए कहीं भी, लगा के ही जाना चाहिए। न्यूट्रोजेना का सनस्क्रीन लिया है मैंने, ये 199 का आता है, 30 ग्राम है। इसमें पूरे फेस पे और नेक को भी लगा लीजिए, वो भी एक्सपोज रहता है अपना, नेक पे भी थोड़ा लगा लीजिए अपन को। देन आई एम टेकिंग पॉन्ड्स बीबी क्रीम, मेरा शेड है 1 ओरिजिनल, ये आती है 120 की, 18 ग्राम प्रोडक्ट है ये। ये अच्छा खासा कवरेज दे देती है अपन को, कॉलेज और अपन ऑफिस अगर जा रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा कवरेज दे देगी। इट्स लाइक अ लाइट फाउंडेशन। आप सीसी क्रीम भी लगा सकते हो अगर आपको लगाना है तो, और अगर आपको बिल्कुल कवरेज नहीं चाहिए तो आप गार्नियर की बीबी क्रीम लगा सकते हैं। पूरे फेस पे डॉट डॉट लगा दिया था मैंने डायरेक्टली, फिर मैंने एक डेंस ब्रश लिया है, इससे मैं पूरा ब्लेंड कर रही हूँ फेस में। आप हैंड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्रश वगैरह यूज़ करती हूँ। आपको अगर हैंड्स यूज़ करना है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। ये क्रीम आराम से ब्लेंड हो जाती है फटाफट, अपन को बिल्कुल ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से ब्लेंड हो जाएगी। और इसमें SPF भी है, अगर आप बाय चांस भूल गए हो न्यूट्रोजिना या कोई भी सनस्क्रीन तो आप वही डायरेक्ट लगा सकते हो। फिर मैंने मेबलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट लिया है, मेरा शेड है आइवरी, ये 199 का आता है। मैं ब्रश से ही लगाती हूँ कॉम्पैक्ट, आपको अगर एप्लीकेटर लगाना है तो आप उससे भी लगा सकते हो। फिर मैंने ये ब्लू हेवन का ब्लश ऑन, डायमंड ब्लश ऑन ब्लश लिया है, ये मेरा शेड है 506। इसको मैंने, अपन एकदम बीबी क्रीम वगैरह लगा के ऐसे एकदम पूरा एक ही शेड, एकदम कैनवास जैसे एकदम डेड टाइप लगते हैं, तो आप अगर ब्रॉन्जर लगाना हो तो वो लगा सकते हो। मैं ब्लश लगा लेती हूँ, तो मैंने ब्लश लगाया है चीक्स पे, नोज़ में। देन मैंने उसी ब्लश को एज आई शेडो भी यूज़ किया है, वो भी सेम ब्रश से। आपको मुश्किल से 2-3 ब्रश की ज़रूरत होती है फेस मेकअप के लिए, पूरा सेट वेट लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे कोई 2-3 जिसमें सेट हो ना वो ले लो, वो अच्छे होते हैं। फिर मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ, ये स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल है, ये 50 रुपीज़ की आती है बस। हाँ, मेरा शेड है लाइट ब्राउन। पहले मैंने इसके पीछे जो कोम दिया रहता है उसे ब्रश किया अपने आईब्रोज़ को, उसके बाद उसको फिल किया है। बिल्कुल धीरे धीरे करिए आप। नीचे से शुरू करते हुए ऊपर ले जाना है उसको, पेंसिल को एंड से, और फिर बीच में जहाँ पे अपने खाली हैं वहाँ पे गैप्स में पेंसिल चला देना, और फिर वापस से ब्रश से अपन उसको कोम कर देंगे तो सब ब्लेंड हो जाएगा एक साथ। ये हो गई अपनी आईब्रोज। फिर मैंने यहाँ पे ना, पहले मैंने मस्कारा लगा लिया है, आप काजल या आईलाइनर के बाद लगाइए मस्कारा, मैंने भी पहले लगा लिया है। ये है मेबलिन का कोलोसल, सॉरी हाइपर कर्ल मस्कारा है ये, पता नहीं कोलोसल क्यों निकलता है मेरे मुंह से बार बार। ये है कोलोसल का मेरे पास, मेबलिन का काजल। अब काजल ये ना स्मच प्रूफ और ट्रांसफर प्रूफ है, वाटर प्रूफ भी है, तो मैं इसको आईलाइनर की तरह लगाती हूँ फटाफट, क्योंकि लग भी जाता है और अच्छा बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है। आप भी ऐसे लगा सकते हो, और अगर आपको नीचे लगाना है लोअर लैश लाइन में तो आप वहाँ लगा लो, मैंने इसको ऐसा आईलाइनर बस लगाया है। देन नाउ आई एम टेकिंग ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक, ये है ब्लू हेवन की एलिगेंस, ये शेड है 11,
एकदम न्यूड शेड है। अब अपन डेली में तो न्यूड शेड ही लगाएंगे, न्यूड या थोड़ा पिंकिश टाइप का ही। तो ये लगाया है मैंने, ये 105 की आती है, काफ़ी अच्छी है कि बिल्कुल कंफर्टेबल है अपने लिप्स में और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। अगर अपन कुछ खा पी भी लेंगे तो ये लगी रहेगी एकदम, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, मोर देन 6 आवर्स स्टे करती है ये। तो यही था मेरा कॉलेज और ऑफिस मेकअप ट्यूटोरियल 10 मिनट का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।